Assalamualaikum guys, welcome to another vlog, another day. जैसे कि आपको पता है कि आज NED में है जॉब फेयर या फिर करियर फेयर, तो हम जाते हैं वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है, क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी जॉब ऑफर कर रहे हैं। मैं कुछ कंपनीज के पास जा रहा हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या वो ऑफर कर रही है जॉब्स, इंटर्नशिप या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस, या क्या है उनकी कंपनी, क्या कर दी और किस तरह उनका हायरिंग प्रोसेस होगा। सो लेट्स सी, हमारे साथ चलिए। ये IGI जनरल इंश्योरेंस हमारी कंपनी है, ये इंश्योरेंस साइड पे डीलिंग कर रही होती है, और फिर अदर देन दिस ये एक पैकेजेस ग्रुप कंपनी है, सो इट्स अ सब्सिडियरी ग्रुप। अच्छा, आप यहाँ पे कौन से ग्रेजुएट्स की सर्च में आए हैं? अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा प्राइमरी पर्पस यहाँ पे है एक रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी ग्रेजुएट को हायर करना। इसलिए आपको एक रिस्क मैनेजमेंट इंजीनियर चाहिए। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट जो कि किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। और कंपनी ज़्यादातर ये करती है कि फ्रेश ग्रेजुएट से एक्सपीरियंस मांगती है, तो इस हवाले से आप क्या बोलते हैं? कंपनी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट नहीं एक्सपीरियंस मांगती हैं, क्योंकि उनको रेडी टू कुक चाहिए होता है, कि जो बस रेडी टू ईट हो ना। लेकिन हम बिल्कुल आपका, हमारा बिल्कुल एक प्रोग्राम है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है और फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, उसी के तहत हम बंदे भी हायर करते हैं। इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन UK में है, अराउंड 50 मिनट्स ड्राइव है लंदन से, सो इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। सर, वैसे बच्चों का यही सवाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी होती है, मैं बोल रहा कि अगर मैंने इसके पैसे भरे और फिर इसके बाद मेरा हुआ नहीं, या फिर अगर मैं किसी कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ वो ऐसा ना हो कि कोई ड्रामा हो या इस तरह की चीज़ होती, तो आप इस हवाले से थोड़ा सा इश्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मैं यही गाइड करूँगा स्टूडेंट्स को कि सिर्फ और सिर्फ एजेंट्स के उस पर ना रहें। आप जो भी कन्वेंस हो, जो आपकी बेसिकली कन्वर्सेशन हो रही होती है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से भी हो रही होती है आपकी, उसे तो आप सिर्फ एक एजेंट या, और अगर एजेंट है भी तो आप मेक श्योर कर लें कि वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिस वहाँ भी आपने अप्लाई किया हुआ है वो एजेंट उस यूनिवर्सिटी में इनलिस्टेड ज़रूर हुआ हुआ है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स आपसे ही क्यों रजिस्टर करवाए यूनिवर्सिटीज़ में? देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसकी फ़ीस जो है वो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी इकोनॉमिकल है। ठीक है, हम स्कॉलरशिप भी अवार्ड करते हैं अप टू 30%, वो मेरिट बेस्ड है क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन, GPA कितनी चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल। मिनिमम जो है वो 2.5 है, अगर आपकी 3+ CGPA होती है हम 30% स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं। जी, तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कुछ अराउंड 11,550 pounds बन जाती है, सो दिस इज़ द मेन रीज़न। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, लाफे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, आपका नाम और पोजीशन, और माशाल्लाह आपके यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ काफ़ी रश था, तो हमने कहा आपका ज़रूर लें इंटरव्यू। मेरा नाम काविश है एंड आई एम असिस्टेंट मैनेजर HR इन एटलस होंडा, एंड या वी आर हेयर टू पार्टिसिपेट इन करियर फेयर ऑफ यू नो व्हिच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय NED। इट सीम्स गुड, स्टूडेंट्स आर वेरी पैशनेट अबाउट यू नो देयर करियर, तो अभी तो स्टार्टिंग है, लेट्स सी के वी होपफुल कि हम अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ना वो कर जाएँ। मैम, इतना रश था, मैं वैसे दोस्त से पूछ रहा था कि क्या जॉब्स ऑफर हो रही डायरेक्टली या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पे बांट रही, तो माशाल्लाह काफ़ी, मतलब बाकी उसके मुकाबले में आपके पास काफ़ी रश था, तो इस हवाले से आप क्या? मोस्टली आई प्रेफर दैट इंजीनियर्स टू प्रेफर सच इंडस्ट्रीज वेयर दे कैन यू नो एक्सेल, इन द सेंस के हमारी एटलस होंडा एक ऑटोमोटिव यू नो कंपनी है, ऑटोमोटिव सेक्टर है, तो मोस्टली मैंने जितना देखा है कि इंजीनियर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटोमोटिव सेक्टर में ज़्यादा होता है, बिकॉज दे कैन यू नो शो देयर एक्सपर्टीज इन टू इट, मे बी दैट कुड बी द रीज़न। मैम, आपके पास अभी कौन कौन से फील्ड्स के लिए जॉब्स अवेलेबल है, के फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल? यस, वी हैव यू नो मल्टीपल पोजीशंस इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, यू नो वी इंडक्ट इंजीनियर्स इन सप्लाई चेन, इन प्रोडक्शन, इन मेंटेनेंस, सो करंटली वी हैव यू नो मल्टीपल पोजीशंस इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या क्वालिटीज़ होती जो कि आप एक कैंडिडेट में देखना चाह रही होती कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी के लिए फिट हैं,
दो तीन ऐसी क्वालिटीज़। देखिए वी व्हाट वी यू नो सी इन अ कैंडिडेट इट हाउ कॉन्फिडेंट एंड हाउ पैशनेट ही इज़ अबाउट यू नो, और वो कितना वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हिज जॉब और इन टर्म्स ऑफ कंपनी ऐड कर सकता है। सो वी वांटेड टू यू नो इंडक्ट समथिंग जो कि हमारे कल्चर से जो ना वो हाईली यू नो फिट इन करे। तो वी लुक यू नो देयर पर्सनैलिटी, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ कॉन्फिडेंट ही इज़ एंड हाउ टेक्निकली साउंड ही इज़। जो नए बच्चे हैं के रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिलती, तो इस हवाले से क्या क्लेरिफिकेशन? देर इज़ नो, कोई बुराई नहीं है रेफरेंसेस में, पर हमारे पास इस तरह के रेफरेंसेस आते भी हैं ना, दैट वी मेक श्योर कि ही यू नो गोज इन टू द ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर दैट वी हैव। ऐसा नहीं है कि आपने रेफ़र कर लिया और यू नो और फिर हमने उसको नेक्स्ट डे हायर कर लिया, ऐसा नहीं है। वो उसी यू नो प्रोसीजर से गुजरेगा जो हमारा एक यू नो ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोसीजर है। वो टेस्ट भी देगा, वो इंटरव्यू भी देगा, वो असेस भी होगा कि टेक्निकली कितना साउंड वो बच्चा है, और आफ्टर दैट यू नो ही यू नो हैविंग देयर मल्टीपल इंटरव्यूज़, और उसमें अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है देन ही गॉट सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस आया तो फिर हमने उसको नेक्स्ट डे उसको हायर कर लिया, तो ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा ज़ाहिर, मुझे काइंडली ये बताया कि कौन कौन सी कंपनीज आई हुई है और क्या एक्सपेक्टेशन है, कोई अच्छे है मतलब जॉब दे रहे या नहीं, ऐसी शो ऑफ? मैं खुद अभी आया हूँ, मुझे पता भी नहीं है। अच्छा ज़ाहिर अभी खुद आया भाई, क्या कौन सी फील्ड की जॉब चाहिए आपको? इलेक्ट्रिकल की। अच्छा। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिकल का ही सोचा है। अच्छा ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो हम चलते हैं मैम के पास। स्टार्ट मैम, कैसी आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम काइंडली आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दे और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बाय द वे, मैं माय नेम इज़ विजाज जदून एंड आई एम अ फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी एंड आई वाज द डायरेक्टर ऑफ यू नो सोसाइटीज़ हेयर, सो आई हैव सम एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एंड प्रमोशन इन ऑल दीज थिंग्स। सो आई हैव I'm very active on LinkedIn, plus I have a YouTube channel, so where I will upload this vlog as well. So, ma'am, aap thoda sa introduction kar. Main iTextiles Private Limited se hu, balki zyada acha aapko Bilal batayenge. Mera naam Bilal hai, main khud textile engineer hu, graduate hu aur maine masters kiya textile mein. Basically hamari company jo hai ye ek trading company hai aur ye different solution provides karti hai. Aapko NED se kaun se graduates chahiye, kaun si field ke? बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर टेक्सटाइल ग्रेजुएट्स आते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर जो हमारा सप्लाई चेन देख रहे होते हैं उसके लिए हमें चाहिए होते हैं। एनईडी के ग्रेजुएट्स के लिए कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जॉब के लिए या इस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, बेसिकली पहले एक्सप्लोर करने के वो करना क्या चाहते हैं, अपने माइंड को क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद जब वो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह उनका किसी भी फील्ड में हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, इस टाइम हम कुछ और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के कुछ कंपनी से उनसे बात कर रहे हैं कि वो क्या किस चीज़ की सर्च में आई हुई है और क्या एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के हवाले से काफ़ी मशहूर है कि टेक्सटाइल में ना एक कंट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट मतलब एक कंपनीज होती है, वहाँ पे ज़्यादातर पॉलिटिक्स और ये चीज़ें होती है, तो इस हवाले से ये लोग इनका क्या रद्द मतलब, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, पूछते हैं इनसे। सर सबसे पहले तो अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन कराइए और अपनी कंपनी का। मेरा नाम लवराज है, मैं HR को हेड करता हूं और हम लोग जो हैं वो डेनम मैन्युफैक्चरर हैं। तो जो यहां पे आने का मकसद ये है कि एक स्ट्रॉन्ग अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना और अपनी प्रेजेंस शो करना, ताकि स्टूडेंट को भी हम अवेयरनेस दे सकें रिगार्डिंग द जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं। सर करेंटली आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और GPA कितनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है? देखिए हम लोग एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट वे से काम करते हैं। हमारे पास राइट नाउ समझ लेंगे 8 to 10 MTUs की वैकेंसीज हैं। हम लोग एक्चुअली कोशिश करते हैं, देखें GPA एक ऐसा है कि आप समझ लेंगे एकेडमिक का एक वो है, हम लोग एक्चुअली इंटेक्चुअल जो कैंडिडेट का एक लेवल होता है उसको चेक करते हैं कि आइदर ही हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो, तो हम उस तरीके से इनको करते हैं। हमने रिसेंटली कुछ ग्रेजुएट हायर किए हैं जो 2.4 GPA के साथ भी जो है वो किए हैं। हम लोग यानी कि प्योरली यानी कि समझ लें वो नहीं है कि हमारा 3 का मिनिमम क्राइटेरिया है। हम लोग एक्चुअली सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि दे जस्ट कम, देन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू में या फिर असेसमेंट में अपने आप को किस तरीके से शो करते हैं। सर एक बहुत टफ सा क्वेश्चन है और ज़्यादातर मैंने जो देखा है सीनियर से ये सुना है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो कंपनीज होती है इनके बीच में, आप HR से तो आप तो ज़्यादा शायद जानते होंगे इस हवाले से, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, सच है या झूठ? देखें कुछ भी कहूँ ना, क्योंकि ये देखें एक वर्ल्ड है जिसमें आप और हम जी रहे हैं जो है, तो पॉलिटिक्स होती है। मैं समझता हूँ कि अगर आपका फोकस जो है वो समझ लें कि
टोटल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर है तो पॉलिटिक्स आपको कुछ भी नहीं कर दिया। कहते हैं मैं समझता हूँ कि रेफरेंस ज़रूरी नहीं है, आपकी सीवी देखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए प्ले करती है। अगर 25 सीवी हमें एक सेम ही पैटर्न पे मिलेंगी तो हम उसमें स्पेसिफिक देखते हैं कि हमें क्या चीज़ देखनी है, आपकी इंटर्नशिप क्या की हुई हो, आपका एरिया, आपका गोल क्या है जो है। अगर कुछ उसमें मेंशन नहीं किया हुआ तो जाहिर सी बात है देखें वो आपको पता है कंपटीशन है, रेस है, उसमें आप किस तरीके से रन करते हो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपने बहुत अच्छा किया और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है कि आप समझ लेंगे कम्युनिटी के लिए और एक समझ लेंगे अच्छा काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, तो छोटे सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा लगा आज का जो इवेंट है और क्या कुछ जॉब्स वगैरह कुछ अप्लाई करा, कुछ मिली या कुछ एक्सपेक्टेशन है? हाँ बिल्कुल है, अप्लाई किया है काफ़ी जगह पे, वैसे मैं करंटली कर रहा हूँ बट इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रो करने की मिलेंगी यहाँ से। वैसे वो कंपनी अगर ये वीडियो देख ले तो क्या होगा? कुछ नहीं मजाक करो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। जो आपकी किस्मत है वो आपका पहले से लिखा होता है कि जिस कंपनी में आप जाओगे, क्योंकि ना ये हमारा एक परसेप्शन है कि हमें ये कंपनी जॉब देगी, ये नहीं, बल्कि होता ये है कि हमारे हम पैदा होने से पहले हमारा लिखा होता है इस कंपनी में हम जाएंगे, यहाँ ये इतना इतना काम करेंगे। टाइम्स कंस्ट्रक्शंस के साथ मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, इट्स अबाउट 7 months आई एम हेयर। आई एम सिविल इंजीनियर फ्रॉम NED एज वेल एंड आई एम 2011 पास आउट, तो मेरा 13 years का एक्सपीरियंस है अब इंडस्ट्री में। इससे पहले भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ लिंक रही हूँ और अब मैंने रिसेंटली यहाँ पर ज्वाइन किया है और माशाल्लाह अच्छी कंपनी है और हमारे प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। प्लस अभी यहाँ पर करियर फेयर का जो मकसद है वो यही है कि हम जितनी वैकेंसीज हमारे पास हों जो हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को चांस दें, इवन इंटर्नशिप्स के लिए भी जो बच्चे थर्ड ईयर के भी इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं उनको चांस दें। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारे NED में आपने देखा होगा बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो मैं और मेरी दोस्त का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस व्हाट्स गोइंग ऑन NED, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं मोर देन थाउजेंड्स, और उनको हम क्या करें डिफरेंट कंपनी से फ्री में इंटर्नशिप, जैसे हम और ये मिलके इंटर्नशिप लेते कंपनी से और उन बच्चों से उठाते हैं रेंडम जो कि रिलेटेड हो और जो कि डिजर्वेबल हो, तो पहले हम एवेलुएट करते हैं कि वो बच्चे हैं इंटरेस्टेड या नहीं और फिर इनको डिफरेंट कंपनीज में भेजते हैं, तो हम एक जैसे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बच्चे भेजें आपके पास इंटर्नशिप के लिए, तो ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास उनके फॉर्म्स या जो CVs हैं वो हमारे पास ड्रॉप करवाएं, हम उसको एवेल्यूएट करें और उनको एवेल्यूएशन करने के बाद हम अपने पास बुलाएं और इंटरव्यू करके बिल्कुल उनकी हायरिंग हो सकती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे NED के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं और ख़ास करके फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, तो मेरी कोशिश यही थी मेरे दोस्त की कि भी हम क्या करें उनको कोई इंटर्नशिप जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करें, और आज मैंने जितने भी कंपनी से आप लोगों की सबसे पहले बात की कि कुछ बच्चे ऐसे होते जिनकी GPA 3 से कम होती है, तो उनको मेरी कोशिश यही है और मेरा एक मोटिव यही है, मेरी जो मूवमेंट है वो ये है कि उनको किसी ना किसी तरह ऊपर लाया जा सके और बाकी बच्चों के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिले। तो इंशाल्लाह अभी मैंने आपकी इंटर्नशिप्स की बात की डिफरेंट कंपनीज़ में और डिफरेंट जगहों पे आपको इंटर्नशिप मिलेगी और आपने कोई घबराने की बात नहीं है कि आपकी GPA 3 से कम है, सो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। एबिक्स के बारे में यही मशहूर है कि वो एक BPO सर्विस कंपनी है और ज़्यादातर इंजीनियर जब उनको जॉब नहीं मिली तो एबिक्स की तरफ रुख करते हैं। सर एक दूसरा क्वेश्चन ये है एबिक्स की साइड से कि एबिक्स में उन बच्चों को नहीं रखा जाता है जिनकी इंग्लिश नॉर्मल होती है, मतलब उनको एक एक्सेंट चाहिए होता है यो, मतलब इस हवाले से आपके? देखें बिल्कुल भी इस तरह के से नहीं है, ये सब जो है मिथ्स हैं या ये कह लें कि ये फॉल्स न्यूज़ हैं, कोई भी यो वाला एक्सेंट नहीं चाहिए होता। द थिंग इज़ के देखें अगर आपका जो स्किल सेट है वो इंग्लिश है तो यू मस्ट बी यू नो हैविंग अ गुड स्किल्स इन दैट, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में ही सेल करना है, फॉर लाइक मैं अगर एक कॉल सेंटर इंटरनेशनल की बात करता हूँ, तो अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो हाउ वुड यू यू नो कनेक्ट विद द पीपल वो आर आउटसाइड दी नो कंट्री एंड दी कस्टमर सर्विसेज, सो इट्स लाइक दैट। तो अगर देखें मैं आपसे बात करूं, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपकी स्किल और आपका डिपार्टमेंट डेवलपमेंट है तो आपसे इंग्लिश का इतना क्वेश्चन नहीं होगा, आपकी स्किल का ज़्यादा क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन आपको जब काम ही बोलना है, कनेक्ट करना है, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो डेफिनेटली इंग्लिश इज़ अ यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट रोल। सर आपको यहाँ से कौन से ग्रेजुएट चाहिए आज जैसे आप NED में? देखिए आज जो है मैंने जो ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोगों को, अभी भी ये लग रहा है कि हम यहाँ पे कॉल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट।
हम यहाँ पर टेक साइड आईबेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेक साइड जो है आईबेक्स की, यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल डोमेन्स होती हैं आईबेक्स में, लेकिन इन कराची देयर इज अ कॉल सेंटर एंड द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एज वेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ नोन एज आईबेक्स टेक। ठीक है, इन आईबेक्स टेक वी हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु हैव द बैकग्राउंड फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेज, बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंसेज डेवलपमेंट, बैक एंड फ्रंट एंड, यू कैन से डिज़ाइनर्स। We have opportunity for people who have, you know, expertise in sales and marketing, and as well as finance and, you know, administration. Thank you so much, sir. Question ऐसे थे कि आपको बस बुरे ना लगे। नहीं देखे, ये बहुत अच्छा है कि आपने सब सवालात किए, लोगों को जो है क्लियर होगी ये सब चीज़ें, और अच्छी बात है कि आपका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और होपफुली इस वीडियो से दूसरे लोगों का भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। सो आई होप टू सी अ पॉजिटिव साइड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक खूबसूरत सा बंदा हमारे साथ मौजूद है, और ये भी यहाँ पे मेरे खास व्लॉगिंग श्लॉगिंग टाइप कुछ कर रहे हैं, ऐसे कुछ है। yes, अरे और इनके हाथ में माइक भी है, कैमरा भी है, और सामने कैमरा मैन देखे हैं आप, तो मैं क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बात है भाई। और ये चाह रहे हैं कि हम जो है मालूमात इजाफा कराएं और हम साथ में इंटरटेन भी करा रहे हैं, तो दो होस्ट एक स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? करम मालिका, इसमें ग्रामी क्या है आपका नाम? सर मेरा नाम वजाहत जदून है। वजाहत जदून, एबटाबाद से हो? सवाबी सर। सवाबी से हो? यस सर। बहुत बढ़िया, यहाँ क्या कर रहे हो फिर? सर यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अभी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एनईडी यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। जी सर, करंटली पास आउट हुआ हूँ। अब पास आउट हो गए सर। चलो यार, वेरी गुड। और कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है जॉब फेयर के हवाले से? सर जॉब फेयर के हवाले से जैसे मैंने भी कुछ बच्चों के और कुछ कंपनीज के इंटरव्यूज करे तो काफ़ी अच्छा है। जो ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि ये जो जॉब फेयर के लिए आते हैं, ये जॉब भी या नहीं जस्ट शो ऑफ होता? तो जो मैंने देखा कुछ जॉब्स भी यहाँ पे, मतलब ऐसे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग हो रही है, तो आपको जॉब लेने में और कि कुछ कुछ बच्चों को ना ऐसी जॉब्स भी मिल जाती है, मिल तो उनको समझ आ जाता है कि भाई हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है। आपको क्या लगता है कि जॉब अपनी एजुकेशन मुकम्मल होने के बाद ही कर लेना बेहतर है, या सेंटर को दो एक साल के चलो यार कुछ छोटा मोटा हिसाब हो जाए? सर मेरे हिसाब से तो अगर आपको जॉब मिल रही है किसी अच्छी कंपनी, आपको डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और आपने क्या करना है थोड़ा सा ब्रेक लेना है अपने आप को, और अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मास्टर करनी है, मुझे CSS करना है, मुझे किसी टेक्निकल जॉब में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ज़रूरी नहीं कि मैं इलेक्ट्रिकल में चला जाऊँ, लेकिन अगर मैं कंपनी में चला गया तो मैं एक्सप्लोर कर लूँगा कि इलेक्ट्रिकल की क्या दुनिया है और आगे और क्या क्या फील्ड है। क्या बात है यार, आप सही मायनों के होस्ट हैं। देखें कहीं इन्होंने फंबल नहीं किया, इनकी उर्दू की अदायगी अच्छी लगी मुझे, बहुत पसंद आया मुझे। थैंक यू सर। यहाँ का नहीं लड़का, ये केपीके का है, ये है ना, केपीके का हो के इसकी उर्दू इतनी लाजवाब है तो सोचो आपकी कहाँ है। सॉरी, अच्छा मैं ये पूछा था कि यार वो उर्दू का कौन सा लफ्ज़ है जो होता कुछ है और लिखा कुछ है, पढ़ा कुछ जाता है? सर ये एनी आइडिया? सर नो आइडिया, बट अलिफ। ठीक है, इंजीनियर दुनिया का पहला नाम पता हो या मुल्क का नाम पता हो? अलराजी। हाँ वैसे तो सारे मतलब तो बाद में रद्दो बदल कर दिया उन्होंने, किताबें ऊपर और नीचे कर दी, वही हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, लेकिन बस नाम बदल गए, नाम बदल गए, नाम बदल गए, नाम बदल गए, नाम बदल गए। बहुत बढ़िया, अब मेरा इंटरव्यू। हाँ जी, अच्छा सर जैसे आप यहाँ पे आए हुए, एनईडी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त है यार माशाल्लाह, और बड़ा कूल और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, ना सिर्फ बल्कि जॉब के बड़े अच्छे मौके हमें यहाँ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी जद मतलब बहुत सी कंपनीज़, वेल नोन कंपनी, सबसे बड़ी बात। और एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि लाइक हम ये देखें कि ना सिर्फ बल्कि लोग आ रहे हैं, और बल्कि लोगों को रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। yes. लोगों का रिव्यू ये है कि यार यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं देखा जा रहा, या बल्कि कि ये भी देखा जा रहा है कि यार एक्सपीरियंस, स्किल्स, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो क्यों नहीं होता, दीगर सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ देखना तराशना उनको एक अलग बात होती है कि उस निगाह से उसको रखने वाला उसको देखता है कि उसके मतलब का काम उससे निकल जाए तो कमाल हो जाता है, सिंपल सी बात है। सर आपके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, माइक छुपा लो। नहीं सर आप माइक में आपने दे लें। सबसे पहले तो दिमाग ऑन करेंगे और देखेंगे कि लाइट का बटन कहाँ पर है। तो लाइट है नहीं ना सर? नहीं, बटन तो लगा होगा कमरे में। नहीं है सर। अच्छा कमरे में बटन नहीं लगा दिया? नहीं नहीं, तो फिर वो होगा क्रॉस करके तो आ रही होगी लाइट, मतलब है कि नहीं सर? बिल्कुल डार्क, तो ये सीन भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अंधक में कमरा है क्या सर? आप कुछ भी अज्यूम कर ले, लेकिन आपके पास तीन चीजें, उन्हीं में से आपने चूज, एक चीज लेनी है। मोमबत्ती मेरे ख्याल से सही रहेगी। सबसे पहले आप मोमबत्ती को आप जलाओगे? हाँ सबसे पहले, नहीं माले माचिस को जलाएंगे ना सर, यही तो क्वेश्चन पूछना था। पहले माचिस जलाएंगे। थैंक यू सुना सर, सही बोला मैंने सर? सही बोला आपने, वेरी गुड हो गया। मैं किस वाटर कूलर आपके साथ जाएगा डिश, ये खुश रहे। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे साथ सर कबीर मौजूद है जो कि डिप्टी डायरेक्टर है DILNED के। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? आज का इवेंट जो है 15 नवंबर को हमने रखा है और NED के तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए हमने मल्टीपल कंपनीज को इन्वाइट किया हुआ है। इसमें कंप्यूटर्स की, मेटलर्जी की, मटेरियल्स की, टेक्नोलॉजी की सारे कंपनीज आए हुए हैं टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एकेडमी एंड इंडस्ट्री। इसमें सारे डिसिप्लिन के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट अवेलेबल हैं और फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं। अच्छा जी, आपने आपको तो इंट्रोड्यूस करें ताकि बच्चे आपको जाने के। आप तो मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं 2019 में ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा सर, और आपको मैं फॉलो करता हूँ लिंक्डइन पर। जी जी, आपको तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है बेसिकली रोबोटिक रिलेटेड था। जी जी, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और आपके लिंक्डइन में तो नेटवर्किंग की टेक्निक्स हैं उससे मैं लर्न भी कर रहा होता हूँ और बस मुझे आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर कुरैशी है, इंडस्ट्रियलाइजर पिछले 6 साल से एज ए डायरेक्टर सर for the licensing between academy and industry in different domains. One of the domain ki hamari example ki aaj ke life example hamare paas hamara career fair hai. अच्छा, इनकी ये एक्टिविटी चल रही है। इसे का पुराना प्रेसिडेंट आप कह सकते हो और ITE का नया प्रेसिडेंट, तो पूछते हैं क्या तासुरात है आज के इवेंट के हवाले से। वालेकुम सलाम एवरीवन, क्या हाल हैं आप सबके? सबसे पहले तो यार आज के इवेंट के तासुरात ये हैं कि बड़ी माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है यहाँ पे और जो कंपनीज़ यहाँ पे आई हुई, एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है सबसे पहली बात तो ये, और स्टूडेंट्स को जो जो क्लासरूम की सेटिंग्स है उससे बाहर आके जो है ना बच्चे जो है ना यहाँ पे इंगेज कर रहे हैं और डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड हेल्दी एक्टिविटी आई वुड से। ओके फहीम, थैंक यू सो मच। और यह मेरे चैनल के हवाले से क्या कहना चाहोगे? सर आपके हम सब्सक्राइबर हैं काफ़ी पुराने, जब से 1 साल तो हो गया है। स्टूडेंट्स मुझे इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन सा डिपार्टमेंट? सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट कौन सा ईयर? फाइनल ईयर। अच्छा, आप लोगों का प्रोजेक्ट कौन कौन है? हमारा जो है GIS बेस्ड है। GIS में हमारा? आपका भी GIS बेस्ड है तो अच्छा, इनका प्रोजेक्ट GIS बेस्ड है, अर्थक्वेक के रिलेटेड है। आप पूछना चाहेंगे कि क्या आज क्या एक्सपोजर मिला इस इवेंट से आपको? काफ़ी चीज़ें हमने लर्न की हैं, मतलब डिफरेंट जो है हम उस पर स्टॉल्स पे गए और वहाँ पे उन्होंने अपने बारे में डिटेल बताई कि अगर हम अपनी ही फील्ड से रिलेटेड जॉब्स नहीं करना चाह रहे तो हम और कैसे एक्सपोजर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। अच्छा, अभी गेम खेलना चाहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, रॉक इन सीजर का? ठीक है, हाँ वही वाल, चलो स्टार्ट करें आप लोग। ऐसे करें, ऐसे करना आपने। हाँ, कौन जीता? जीत गई ना। अच्छा, जो जीता दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले 4-5 बचे, तो आप प्लीज़ करें ताकि ना हम अपने ऑडियंस में ये आप लोग गोल्डन सब्सक्राइबर्स आ जाए लास्ट वाले। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर तुफेल साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। इट्स ऑल प्लेजर ऑफ आवर्स। बेसिकली इसका पर्पस जैसे आपने कहा बच्चों के लिए है ताकि वो इंडस्ट्री को यहाँ ले आएँ, और डॉक्टर साहब की बड़ी मेहनत है इसमें, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइजन की। देखें इससे जो इंडस्ट्री कैंपस में आती है
और बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनको ये भी आइडिया होता है कि आगे चल के कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको टारगेट करना चाहिए। तो दैट्स द पर्पस ऑल ऑफ दिस एग्जीबिशन। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डॉक्टर साहब दो एक साल से आप कर रहे हैं, ये मज़ीद कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। ये स्टार्ट है और आप जैसे आपको पता है कि चीज़ें हमेशा परफेक्ट नहीं होती, इसमें इम्प्रूवमेंट आता है, तो अगले साल और इम्प्रूवमेंट देखेंगे इंशाल्लाह। सर आप क्या एडवाइसेस देंगे बच्चों के लिए? देखिए बच्चों को इस लेवल पे जैसा टू लेट हो जाएगा वाली बात है, लेकिन इनिशियल फेज़ में जो बच्चे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं एक एडवाइस करूँगा, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि बच्चे उमूमन देखते हैं पीयर्स किस डिसिप्लिन में जा रहे हैं और पूरा का पूरा एक बंच उस तरफ चला जाता है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी मास्टरिंग, आपके एक्सपर्टीज़ किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। आप उस एरिया में मास्टरिंग करें, आप अपने एक्सपर्टीज़ क्रिएट करें, तो कोई वजह नहीं कि आप को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या आगे करियर ग्रोथ नहीं मिलेगा। लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं किस तरफ सारे बच्चे जा रहे हैं उसी तरफ जाते हैं, तो दैट समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्करेज। लेकिन वो बच्चे जो ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, जो कि मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप मुख्तलिफ जो टूल्स हैं अवेलेबल हैं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, इन टूल्स से आशनाई ज़रूर हासिल कर लें। आप क्लासेज अटेंड करें फेयर इनफ, लेकिन इन टूल्स को आप यूज़ करेंगे तो इससे आप लोगों को काफ़ी ग्रोथ में फ़ायदा होगा, न सिर्फ जॉब के हवाले से, आगे आपको जो है वो मास्टर्स या आगे क्वालिफिकेशन गेन करने के लिए भी बहुत बड़ा हेल्प होगा इस पर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बी ब्लेस्ड, थैंक यू।